सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। वृंदावन तो जाना है मत। नहीं मैं नहीं कहूंगा, एक 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 हमारे पागल बाबा ने बड़ी सुंदर एक पद लिखा है, मना कर रहे लोगों को वहां मत जाओ तुम। औरे पथिक वा, औरे पथिक वा, मत जइयो तू वृंदावन की ओर। औरे पथिक वा, मत जइयो भले कहो मैं तुझसे मत जइयो उस ओर, मैं भलाई तेरे लिए कह रहा हूं मत जइयो उस ओर। तो आदमी ने पूछा क्यों, बोले तू वहां गयो तो तोहे मिलेंगे गोप गोपियां लेकर संग गगरी, ऐसे तेरे को लोग मिलेगा। अच्छा, और ये लोग मिल जाए ना तो उसकी मंडली में एक कारा कारा छोकरा होगा, उसके सामने मत देखियो। ओ तोहे मिलेगा एक छोरा सो कारो कारो, मत देखियो उस ओर। फिर कवि ने ये कहा, अरे अभागा, अरे अभागा, वो कह रहे हैं को जाने वाले पति को, अरे अभागा तूने यदि वो कारे कारे छोरे को देख लियो तो जब वो अपने अधर के ऊपर बांसुरी लगावे ना तो वहां मत खड़ा रहना। हाँ, अरे हो अभागा कदाचित तूने वहां खड़े होकर बांसुरी जो सुन ली तो जैसे मैं पागल हुआ तू भी पागल हो जाएगा। इसीलिए अरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओर। भाई बहन, हमको 35 साल हो गए कृष्ण चरित को सुनाते सुनाते। बाकी आज सुबेरे जब मैं बैठा था ध्यान में तो 32 साल के बाद आज हमको एक बात जरूर समझ में आई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे करना नहीं चाहिए खुद की अनुभूति, बाकी कदाचित आपको भी ये काम आए। कृष्ण की कथा नहीं होती, कृष्ण का चरित्र कहने की चीज नहीं है, कृष्ण की उपासना नहीं होती, कृष्ण की पूजा नहीं होती, कृष्ण की चर्चा भी नहीं होती, कृष्ण का ध्यान भी नहीं होता, कृष्ण के ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं है बोल सके, कृष्ण को तुम जान नहीं सकते। सिर्फ एक काम तुम कर सकते हो भाई, जो मेरी अनुभूत आज 32 साल के बाद आज सुबेरे मेरे को समझ में आई, इनके तो सन्मुख बैठकर तुम सिर्फ रो सकते हो भाई, और कुछ नहीं कर सकते, बस तुम रो सकते इनके सामने। बाकी ये वाणी का विलास हम 32 साल से सुना, मेरे पहले अनेक अनेक महापुरुषों ने जो सुनाया है हमसे, तो क्या सब विद्वान महात्माओं जो, और मेरे जाने के बाद भी बहुत आ रहेंगे, जरूर आएंगे। बाकी मेरी अनुभूत आज मेरे को कह रही है सवेरे, यहाँ कुछ नहीं होता, तुम उनके सन्मुख बैठो
और रो लो बस, और कुछ नहीं होगा। और ये जबान, ये भाषा, वो बहुत समझता है, ये प्रेम स्वरूप है। और जो प्रेम, प्रेम का मुख्य साधन कोई हो, मुख्य कोई शस्त्र हो प्रेम का, तो वो आंसू है। आंसू, आपने कभी किसी को प्रेम किया हो तो तुम्हारे प्रीतम को रिझाने के लिए कोई अच्छा व्यंजन बनाया हो, कोई शेर शायरी लिख दी हो, कोई उपहार दे दिया हो, कुछ कपड़े कोई सिनेमा में ले गए, कोई घुमाने के लिए ले गए, ये कोई काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा शस्त्र प्रेम में जो है वो आंसू है, इससे बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है। और श्री कृष्ण, मेरी अनुभूत कह रही है आज, ये प्रेम स्वरूप जो है उसके सामने तुम रो लो, यही साधन है उसकी प्राप्ति करने का, यही साधन है कि उसका स्नेह भाजन बनने का, यही साधन है उसके कृपा पात्र बनने का, और यही साधन है उसकी प्राप्ति का, और कोई साधन नहीं है। तुम जाप, तप, व्रत, पाठ, पूजा जो भी करना है तुम कर लो,